राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी से ज्यादा समझदार और बुद्धिमान हैं, जिनमें प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण मौजूद हैं। ये बयान है सैम पित्रोदा के, जिन्होंने कई मायनों में राहुल गांधी को राजीव गांधी की तुलना में बेहतर नेता बताया है। राजीव गांधी से राहुल गांधी के राजनीतिक कौशल और उनकी क्षमताओं की तुलना करते हुए सैम पित्रोदा ने कहा कि राजीव गांधी जहां ज्यादा काम करने में विश्वास रखते थे, वहीं राहुल गांधी रणनीतियां बनाने में महारत रखते हैं। उन्होंने कहा कि खुद में ऐसी क्षमताओं को विकसित करने के लिए राहुल गांधी ने लंबा संघर्ष किया है। राहुल गांधी के बारे में ऐसी बातें कहने वाले सैम पित्रोदा या सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो दशकों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। इन दिनों राहुल गांधी, जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के अभियानों में व्यस्त हैं, उन्हें लेकर सैम पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कई बड़ी बातें कही हैं। सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी का जीवन संघर्षों से भरा रहा, जिस तरह से उन्हें एक के बाद एक पहले अपनी दादी और फिर अपने पिता के दर्दनाक ढंग से गुजर जाने का सदमा सहन किया और फिर भी वे जिस जीवटता के साथ उठ खड़े हुए और पार्टी को एक नई दिशा देने की कोशिश की, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सैम पित्रोदा ने कहा कि अनेकों चुनौतियों को झेलते हुए राहुल गांधी समय के साथ साथ एक मजबूत और ज्यादा समझदार नेता के तौर पर विकसित हुए हैं। सैम पित्रोदा ने सोशल मीडिया में राहुल गांधी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विरोधियों की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग उनके वास्तविक व्यक्तित्व को समझने लगे हैं। सैम पित्रोदा ने साथ ही बीजेपी के उन तमाम आरोपों को खारिज किया, जिसमें कहा गया था कि राहुल गांधी ने विदेश यात्राओं के दौरान भारत की आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करना भारत की आलोचना नहीं हो सकती, बल्कि ये विपक्ष के नेता का अधिकार और उसका काम है। सैम पित्रोदा ने कहा कि देश में कांग्रेस की सरकार आने पर वे इस पक्ष में रहेंगे कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करें, क्योंकि उनके भीतर वो तमाम क्षमताएं मौजूद हैं जो एक प्रधानमंत्री बनने के लिए होनी चाहिए। हालांकि साथ ही पित्रोदा ने यह भी कहा कि ये उनका अपना विचार है, क्योंकि इस पर आखिरी फैसला कांग्रेस पार्टी का ही होगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं। कुछ साल पहले उन्होंने खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पदवी ग्रहण नहीं की थी, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये जिम्मेदारी संभाली थी। हालांकि चर्चाएं ये रही हैं कि खड़गे भले ही पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी स्तर के फैसलों में राहुल गांधी की रजामंदी के बिना कोई फैसला फाइनल नहीं होता। लोकसभा चुनाव से पहले उनकी भारत जोड़ो यात्रा और लोगों के साथ उनके व्यक्तिगत जुड़ाव को ही इस बात का श्रेय दिया जाता है कि 2019 के मुकाबले कांग्रेस 2024 के चुनाव में ज्यादा मजबूत बनकर उभरी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।